ओम शांति। जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तब पूरी पढ़ाई का टाइम नहीं होता, सिर्फ रिवीजन करना होता है ताकि जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कवर कर सकें। इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ करना है अभी कर लो, फिर समय नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी विस्तार की बातें छोड़कर हमें सिर्फ सार में समझना होगा। अव्यक्त मुरली ज्ञान का खजाना है। ये ज्ञान यदि हमने इस समय धारण कर लिया तो हम जन्म जन्म समझदार बनेंगे, किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं अव्यक्त मुरली के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा सभी का आधार थे, उन्होंने ज्ञान की धारणाओं की नींव मजबूत की, फिर वे अव्यक्त हो गए। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना है। हमारा सबसे बड़ा आधार शिव बाबा हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना है, संगठन से अलग नहीं होना है और नियमों को नहीं तोड़ना है। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, ये चेक करना है। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से नहीं टूटता। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार हैं। जिन बच्चों का निश्चय अटूट होता है वो ही शिव बाबा के गले का हार बनते हैं। बातें तो सभी बोली हुई हैं, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ऐसे तो हम बहुत सारी बातें डायरी में नोट करके रखते हैं, लेकिन जब तक हम उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, उन पर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, तब तक वह हमें समय पर याद नहीं आएंगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि शास्त्रों में तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई है, फिर ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष पूरे होने से पहले क्यों चले गए? तो बाबा कहते हैं 100 के नज़दीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, यानी कि जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में तब से लगाकर 100 वर्ष, ये है स्थापना का पाठ। इसके 100 साल गाये हुए हैं। शिव बाबा की प्रवेशता से पहले तो वे ब्रह्मा नहीं थे, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब काम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? तो सत्युग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। इसीलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। कहते हैं जो करेगा वो पाएगा, तो क्या करना है वो बाबा स्पष्ट करते हैं। यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ पे हमें ताज दिलाएगी। यहाँ पर हम जितनी सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं उतना ही ऊंचा पद सतयुग में देखने को मिलेगा। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से उसका स्नेह था उससे आपका हो।
यानी कि ब्रह्मा बाबा का जिस चीज़ से स्नेह था उससे हमारा भी स्नेह हो। उसका स्नेह था सर्विस से, पिछाड़ी ने भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। हमें बाबा से कितना स्नेह है यह इस बात से पता चलता है कि हमारा सर्विस से कितना प्यार है, हम बाबा की आज्ञाओं पर कितना चलते हैं। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। ब्रह्मा बाबा आखिरी के कुछ महीनों में अव्यक्त स्थिति में रहा करते थे, सार रूप में सभी की बात सुना करते थे। तो जो बच्चे उस समय अव्यक्त स्थिति में रहा करते थे उन्हें ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में दिखते थे। विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। ज़्यादातर यही देखने में आता है कि हम और बातों का चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं तो बातें तो आनी हैं, लेकिन बातों को सोच सोच कर स्वयं भारी ना हो। जो बाबा ने हमें ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं, जो बाबा की ज्ञान मुरली है, हम उनका मंथन करें। ओम शांति।